इस प्रेजेंटेशन का जो है मैं आप सबको वेलकम करता हूं। आपके कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली कर सकते हैं मुझसे। जी बिलाल, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? जी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम सर, दरअसल उत्तरावियों की वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, तो मैंने लेट ज्वाइनिंग हुई है क्लास में। आपकी आवाज बड़ी आस्ता है। मैंने कहा सर उत्तरावियों की वजह से लेट ज्वाइनिंग हुई है। अच्छा, आपने अगर नहीं देखा तो कोई मसला नहीं, आपको हमारा जो ये उसके बाद शेयर, आपने ये हमारा जो चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, हमारा हाइको चैनल, जी जी सर, तो आपको फिर आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, आपको जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा, ये जो है सब वीडियोस जो है आपकी आ जाएंगी, आप वहां पे देख लीजिएगा वो, फिर आपने आपने ठीक है सर। क्वेश्चन उसके आपके आपने क्वेश्चन तैयार किए और आप ऑलरेडी हमें उस वीडियो में कमेंट कर दें, वो नेक्स्ट लेक्चर में भी आप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप बिलाल तारुफ करा देंगे, आप कौन है? सर मेरा तल्लुक बेसिकली बिम्बर आजाद कश्मीर से है और मैं DVM का स्टूडेंट हूँ, फिफ्थ सेमेस्टर से। रावलाकोट यूनिवर्सिटी से? जी जी सर, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट रावलाकोट और उस्मान जफर के रेफरेंस से आया हूँ। राइट राइट, ठीक, चलिए ठीक है। और कोई इसके अलावा कोई क्वेश्चन है आपका पोल्ट्री वेंटिलेशन रिगार्डिंग, ऑटोमेशन रिगार्डिंग? तो सर हमारे दरअसल इसके ओपन शेड है, हमारे अपने जाती है सर, तो ये मॉइस्चर का हमें बहुत मसला बनता है और टेम्परेचर मेंटेनेंस का। देखें डेफिनेटली तो जब सर आप आप कन्वेंशनल पे बात करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम तो होंगे, आप आपको आपके शेड तो छोटे होंगे, आप कम से कम एक जो है टनल साइड पे एक छोटा या बड़ा फैन, एक फैन लगा लें तो आपका ये प्रॉब्लम जी जो सर। है 90% आपका कम हो जाएगा। सर फैन बहुत सोलर लगाए हुए हैं, तकरीबन हर विंडो में हमने तीन तीन फैन लगाए हुए हैं, एग्जॉस्ट फैन है, बाहर निकालते हैं हवा को। कौन से फैन लगाए मतलब हैं आपने, कितनी कितनी कैपेसिटी के हैं वो? ये जो सर अक्सर में रूम में लगे होते हैं, एग्जॉस्ट फैन नहीं होते छोटे, ये तीन तीन एक विंडो में लगे हुए हैं। अच्छा, इस तरह है ना, एक तो आपको कम से कम जो है 10,000 CFM जो आपको 36 इंच का फैन है ना वो आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको उसको बड़ा एक फैन, जी बड़ा फैन आप कम से कम एक आप फैन लगा लें। मैं मेरे साथ एक डॉक्टर नईम थे, ऑलरेडी उनके भी शेड हैं यहाँ पे नॉर्दर्न एरियाज में, उनके प्रॉब्लम थे, जी उनको जी हमने यही एडवाइस की कि आप जो है टनल साइड पे एक फैन लगा लें, वो आप गर्मियों में भी यूज करें और सर्दियों में भी विनियम वेंटिलेशन के लिए आप यूज करें। तो ठीक है आपका सर। डेफिनेटली आप जब कर रहे होते हैं वहां के साइड पे आपके फैन आपके लगे होते हैं, कर्टन भी होते हैं, तो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होता उसमें ना, तो आप वो लाजमी यूज करें, ठीक उसमें आपका ये मॉइस्चर का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया जी, इसके अलावा अभी और किसी का क्वेश्चन है तो काइंडली, अभी क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू हुआ है। जी डॉक्टर हसन, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, ये आपने मिनिमम वेंटिलेशन का जो फार्मूला बताया ये काइंडली दोबारा रिपीट कर सकते हैं सर? जी जी वो बता दीजिएगा सर काइंडली। अच्छा, मिनिमम वेंटिलेशन का आपको बताया मैंने कि थंब रूल जो है वो 0.5 CFM पर kg बर्ड, सही है, ठीक हो गया। तो आपको जी पता सर होना चाहिए कि आपको वेट के हिसाब से आपको कितना चाहिए, आपका 0.5 आपके पास एक थंब रूल आ गया पर kg, ठीक है। अब जी आपने सर अपने kg निकालने हैं, आपके शेड में कितने kg हैं, उसका तरीकाकार ये है, आप ये वीडियो जो है ये हमारी जो प्रेजेंटेशन की वीडियो जिस पे कैलकुलेशन हमने बताई है वो अपलोड हो जाएगी, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ हमारा चैनल उनको नोटिफिकेशन आ जाएगा, वहां पे भी आप आराम से देख सकते हैं। लेकिन आपको फिर भी मैं बता सकता हूँ कि आपने केजी निकालने हैं अपने, सबसे पहले कि आपके बर्ड के केजी कितने बनते हैं, वो आपने नंबर ऑफ बर्ड लेने हैं और उसके साथ उनका वेट लेना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है तो आपका केजी आ जाएगा, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है मिनिमम जो है आपकी जो है आपको चाहिए CFM 0.5 CFM जो है वो उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपको टोटल CFM आ जाएंगे जो आपको रिक्वायर्ड है 5 मिनट साइकिल टाइमर में, ठीक है, 5 मिनट साइकिल टाइमर आपने रखना है, 5 मिनट बाद आपको ये चाहिए।
तो जब टोटल आपके जो आ जाएंगे वो वाले सीएफएम आएंगे, उसको आपने जो आपका अवेलेबल आपका एक साइड एक फैन अगर आपका लगा हुआ है साइड वॉल फैन 10,000 सीएफएम का, आप उससे डिवाइड कर देंगे। जो डिवाइड करेंगे तो जो कैलकुलेशन आएगी जो फिगर आएगी उसको 300 मीन्स 300 सेकंड्स है, ये 5 मिनट का 300 सेकंड बनता है, वो 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फैन ऑन टाइम आ जाएगा। सही है सर, यानी कि जितना टाइम चलाना है वो टाइम आ जाएगा जी, वो आप 300 जो है 5 मिनट साइकिल टाइम में रहता है, 5 मिनट में जो कितना ऑन टाइम है और ऑफ टाइम आप खुद निकाल लेंगे। आपका वो जो लेट्स पोके का जो है ये 300 में आपको कहेगा 150 ऑन है 150 ऑफ है, ठीक है, तो वो आपका कैलकुलेशन से आ जाएंगी। अगर आपका शेड बड़ा है आपकी क्वांटिटी ज्यादा है तो आप 2 साइड फैन इस्तेमाल करें, ठीक है, इसके लिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच जी। नेक्स्ट प्लीज। जी अब्दुल तौर खान, आपका कोई क्वेश्चन है? मौसर अभी नहीं आया, अभी सर मैं अभी ये क्वेश्चन आंसर सुन रहा था, अभी अभी नहीं, अभी सर जेन में कोई। आप भी वो तारुफ कराएंगे? तारुफ तो मुझे बिलाल साहब का भी रह गया, चले आप तारुफ करा दे अपना। सर मैं डीबीएम, मैं अब्दुल तौर है, मैं डीबीएम लास्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं अभी सर पोल्ट्री फार्म पे था अभी रिसेंटली, अभी मैं एक डायग्नोस्टिक लैब पे हूँ, एक लेयर फार्म पे पहले था मैं, अब एक डायग्नोस्टिक लैब में, पिछली सर क्लास में मैं भी था उसमें इंट्रोडक्शन हो गया था। राइट राइट, अच्छा इस तरह की एक्चुअली हमारी क्लासें बहुत ज्यादा होती है ना, मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ टाइमिंग पे मुख्तलिफ क्लासेस हो रही होती हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं हमारे, तो सच्ची बात है, वेरी सॉरी टू से दैट कि वो नहीं याद रहता ना, तो फिर यह है कि हमारी वीडियोज ये रिकॉर्ड हो रही होती हैं तो उसमें भी जो है वो लोगों को आपका तारुफ ही चला जाता है। और बाकी ये है कि आपको ये जो अपलोड होगी इसका भी आपको जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा हमारे हाईको पोल्ट्री हाउस कंसल्टेंट के टाइम पे, और इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आप मेडिटेशन का पर्पस समझ आया होगा सब चीजें। और कोई क्वेश्चन है तो मैं ले लूं या फिर आप और से क्वेश्चन ले लें, मैं भी देंगे सर। चलें ठीक है, ओके थैंक यू वेरी मच। तो हमारा पोल्ट्री हाउसेस कंसल्टेंट जो है, हमारा मोर देन 20 ईयर एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, और आई वाज द हेड ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड वेंटिलेशन सादिक पोल्ट्री में 5 ईयर्स और 8 ईयर्स इन इस्लामाबाद फार्म्स, ठीक है, और इस तरह मुख्तलिफ जगह पे मैंने हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स काम किए हैं, और फिर हमारा जो ये 2015 से हमारा जो है पोल्ट्री हाउसेस कंसल्टेंट जो हाइको कंपनी है वो हमने स्टार्ट की है अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान में भी और आउटसाइड पाकिस्तान भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो आफ्टर 50 हमने रियलाइज किया कि यार इट्स टाइम टू फीडबैक, तो हमने फिर ये फ्री एजुकेशन जो है, फ्री हमारी वीडियोस हैं, ये सारी चीज़ें हैं, फिर हमारे फ्री क्लासेस हैं, तो खासकर हमने डिफरेंट जो है वेटरनरी यूनिवर्सिटीज हैं उनके हम क्लासेस ले रहे हैं, उनको हम बेसिक ट्रेंड कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग ट्रेंड हों, आप लोगों ने इस पाकिस्तान की इकॉनमी में एक किरदार अदा करना है, जब पाकिस्तान की तरक्की होगी तो हम सब की तरक्की होगी, तो ये हमारा मोटो है हाइको का, तो यही हम कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग हमारे साथ जो है इसको प्रमोट करेंगे, हमारी वीडियोस को लोगों तक पहुंचाएंगे, हमारा पैगाम पहुंचाएंगे, तो सो ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सैटरडे को हम आएंगे चिल फैक्टर के साथ और वेंटिलेशन के साथ इंशाल्लाह, और ये हमारा 4 वीक का कोर्स है जिसमें हमने आपको बेसिक्स आप सब करानी है और फिर आपसे हमने आपकी प्रेजेंटेशन लेनी है, तो आप अपनी प्रेजेंटेशन भी तैयार करना शुरू कर दें। तो थैंक यू वेरी मच, सो ग्रेट, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। Thank you.